डॉक्टर के बेटा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? दादी मैंने कहा था मुझे दवाई ले जाने दीजिए, लेकिन अब हो क्या? दादी ने हमें मेरे कमरे के बाथरूम में एक साथ देख लिया, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे बारे में जो सोचेंगे उसका कुछ चुप, कुछ मत बोल, सांस भी मत लेना। रुको मैं क्या करूं? मैं कुछ देखता हूं। अरे लगता है चली गई। अंदर है तू? अभी क्या तू अंदर है बेटा? नहीं दादी। नहीं? हाँ मैं ही हूँ। तू नहा रहा है? धो रहा हूँ दादी, बाथरूम में हूँ तो नहाऊंगा ही ना, और क्या करूंगा। वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तूने प्रज्ञा को देखा? हाँ वो यहीं पर है। क्या दादी आप जोक्स नहीं समझती? इट्स जोक, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पर होती तो मैं उसे देख लेता ना दादी। ओ नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले वो तेरे कमरे में ही आई थी। हाँ। मैंने उसे पेन रिलीफ स्प्रे लेने भेजा था। हाँ, तो थोड़ी देर पहले आई थी। किचन। किचन? तो ऐसे बोलो ना। क्या बोलूं? किचन। किचन में गई है दादी। किचन में क्या लेने गई है? शराब। शराब पीने गई है। क्या शराब लाने? टॉफी, कॉफी। कॉफी दादी, ऑब्वियसली अगर किचन में गई है तो मेरे लिए कॉफी लाने जाएगी ना, और क्या करने जाएगी किचन में। ठीक है वो आए ना तो उसे कह देना कि मुझे वो स्प्रे मिल गया है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढती ना फिरे। बोल दूंगा दादी। थैंक गॉड। अभी ये तू बोला? पागल हो गई। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे प्रज्ञा बोली? अरे दादी वो बाजू में ठंडा पानी रखा हुआ था ना, तो उसमें हाथ चला गया तो वो आवाज पतली हो गई ना चिल्लाने की वजह से, तो इसलिए वो मैं ही था। हे गॉड। पर तू ठंडे पानी से क्यों नहा रहा है? गर्म पानी से नहाना बीमार हो जाएगा। अगली बार गैस पे पानी रख के उसी में बैठ जाऊंगा दादी, आप जाओ तो सही। ओके बाय बाय बाय। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ। से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला? क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हाँ
क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप